हेलो दोस्तों, सामुंडा इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पे देखिए, एक रियल मी का एलईडी टीवी हमारे पास आया हुआ था। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने इसमें नया पैनल बिठाया है। तो मेरे सब्सक्राइबर भाई का यहाँ से महुआ से बाजू में इसका ये एलईडी टीवी है, तो उसमें हमें यहाँ पे उल्टा पिक्चर देखने को मिल रहा है। तो नया पैनल मैंने डाला है। तो यहाँ पे देखिए, मेरे पास अभी रिमोट नहीं है, तो मैं यहाँ से आपको इसका रिमोट इसमें मैंने डाउनलोड करके रखा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो अभी दोस्तों यहाँ पे देखिए, रिमोट से टीवी को ऑन कर लेता हूँ पहले, तो ऑन हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो उल्टा पिक्चर आ रहा है। तो इसमें दोस्तों हमें क्या करना पड़ेगा, तो इसका हमें यहाँ पे पहले तो इसका प्रोजेक्ट आईडी ढूंढना पड़ेगा। तो हमारे पास इसका प्रोजेक्ट आईडी है अवेलेबल। तो अभी दोस्तों इसे ऑन होने देता हूँ और यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप इसको दिखाता हूँ आपको कैसे इसे इंस्टॉल करना है। तो अभी दोस्तों यहाँ पे देखिए, तो अभी मैं यहाँ पे हमारा कंप्यूटर में चला जाता हूँ, वहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि इसकी प्रोजेक्ट आईडी है ना, वो हम पेन ड्राइव में पहले कॉपी कर लेते हैं और इसे ऑफ करना पड़ेगा। तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हो, तो यहाँ पे मैंने हमारा पेन ड्राइव लगा लिया है। और दोस्तों ये काफ़ी, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, ये आसान नहीं है ये करना। यहाँ पे हमें आईडी का पता भी होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरे पास पैनल प्रोजेक्ट आईडी, तो हमें यहाँ पे देख सकते हो ए आईडी को यहाँ से कॉपी करता हूँ यहाँ पे ये वाला, और आपको खोल के भी दिखा दूंगा। तो अभी यहाँ पे हमारा जो पेन ड्राइव लगा हुआ है वहाँ पे मैं इसे यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो अभी यहाँ पे आ गया फोल्डर और ये हमारा यहाँ पे आईडी रहा। तो अभी दोस्तों यहाँ पे मैं पेन ड्राइव को इजेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से। तो अभी यहाँ पे अभी चलता हूँ, हमारा एलईडी लगाया हुआ है वहाँ पे। तो अभी दोस्तों यहाँ पे मैं आ चुका हूँ और यहाँ पे अभी पेन ड्राइव को मैं लगा लेता हूँ। तो अभी दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने पेन ड्राइव लगा लिया है। तो अभी दोस्तों यहाँ पे देखिए, अभी मैं यहाँ से इसे ऑन कर लेता हूँ, अभी पहले ऑन हो जाने देता हूँ। अभी भी यहाँ पे आप देख सकते हो, तो यहाँ पे रियल मी लिखा हुआ उल्टा आ रहा है। तो थोड़ा सा यहाँ पे वेट करता हूँ और इसका सर्विस मेनू भी हमें खोलना पड़ेगा दोस्तों। तो अभी यहाँ पे देखिए, ये हमारा खुल चुका है। तो अभी मुझे यहाँ पे इसे फंक्शन में लेना पड़ेगा। तो अभी यहाँ पे हम हमारा यहाँ पे AV1 या कुछ यहाँ पे देखिए। तो अभी मैं यहाँ पे चैनल में कर लेता हूँ, चैनल में मैंने कर लिया है। तो अभी दोस्तों यहाँ पे देखिए, बटन हमें दबाना है। तो यहाँ पे एडवांस सेटिंग लिखा हुआ है, तो वहाँ पे मैं इसे ले लेता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है वीडियो बनाने में, क्योंकि लाइट ऊपर लगा है, उसका कुछ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ओके कर देता हूँ। और यहाँ पे आपको क्या करना है तो आपको दिखा दूँ, 1 2 1 2, तो इसका यहाँ पे सर्विस मेनू खुल जाएगा। तो अभी यहाँ पे एक बार फिर से दबाना पड़ेगा 1 2 1 2। तो अभी यहाँ पे देखता हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये हमारा यहाँ पे सर्विस मेनू यहाँ पे खुल चुका है। तो हमें प्रोजेक्ट आईडी में लेके यहाँ पे ओके करना है। तो अभी दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हमारा सर्विस मेनू खुल चुका है। तो यहाँ पे हमारा मोबाइल स्क्रीन में यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। तो अभी हमें यहाँ पे चले जाना है प्रोजेक्ट आईडी अपग्रेड। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, आप मैं यहाँ से नीचे करता हूँ,
तो यहाँ पे ओके करता हूँ, तो देख सकते हो अपग्रेड ओके सक्सेसफुल। तो एक बार आपको फिर से दिखा दूँ, तो देखिए तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया। तो अभी दोस्तों यहाँ पे फाइनली क्या करना है, तो यहाँ पे जो ये पिन है प्लग है इसे हटा देना है। देखिए अभी यहाँ पे बंद हो गया, तो अभी फिर से एक बार यहाँ पे डाल के देखता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ऑन किया और यहाँ पे रेड लाइट आया है। तो अभी यहाँ पे दोस्तों देखता हूँ, तो यहाँ पे देखिए ऑन कर दिया। तो अभी दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो, तो यहाँ पे फिर से 10x में चला गया। तो यहाँ से ऑन करके देखता हूँ, तो यहाँ पे आपको दिखा दूँ, देखिए ऑन कर दिया है मैंने यहाँ से, अभी ऑन होगा। तो आपके सामने मैंने प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व करके दिखाया है, लेकिन दोस्तों काफ़ी मेहनत से ये वीडियो मैंने बनाया है। तो वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए। और इसमें 4 क्लाक मेहनत किया तब ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। प्रॉब्लम दूसरा था, लेकिन फॉल्ट सुनना पड़ता है। तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हो, तो हमारा यहाँ पे पिक्चर सीधा हो चुका है। तो अभी यहाँ पे आपको इसका वीडियो दिखा देता हूँ एक बार। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए।